दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुमंडल कार्यालय में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो यहाँ के नज़ारे को दिखाएं। मिल रही जानकारी के मुताबिक डीएसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें नानपुर थाने की पुलिस के द्वारा खोपी में एक गुप्त सूचना के आधार पर 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करेंगे पुपरी डीएसपी विनोद कुमार जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें जो बदमाश पकड़े गए हैं उनके पास से क्या क्या बरामद किया गया है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं डीएसपी कार्यालय में। आज की जो पीसी बुलाई गई है सर, क्या है सर? मूल रूप से आज की पीसी जो बुलाई गई है, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। वो 4 नवंबर को 3 बजे के आसपास हमें प्राप्त सूचना मिली थी कि खोपी चौक के आसपास कुछ अपराधी तत्व इकट्ठा हुए हैं, और ये भी सूचना मिली थी कि पूर्व से वांटेड हमारे यहाँ है अजात शत्रु, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो भी वहाँ पे थे। तो इसकी सूचना के आधार पे हम लोगों ने एक टीम गठित किया राकेश रंजन थाना प्रभारी नानपुर और PSI के साथ, और गश्ती दल भी वहाँ पे उन लोगों को भेजा गया खोपी चौक के आसपास, और इधर से हमारी टीम भी गई। मूल रूप से वहाँ पे 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 5-6 लोग वहाँ पे थे, जिसमें से एक भागने में कामयाब हो गए मुख्य अपराधी जो थे, उनमें से मोना, ये किशन कुमार उर्फ मोना सिंह के नाम से ये प्रसिद्ध है, रोशन कुमार और प्रिंस कुमार। मोना सिंह का आपराधिक इतिहास भी है। मूल रूप से जो हमें सुनिश्चित किया गया अभी, उसमें 4 अपराधी सुपी थाना में है, 201/19/392 APC के तहत किया गया था। डुमरा थाना के अंतर्गत 158/18, डुमरा थाना के अंतर्गत ही 416/19 है ये, और एक डुमरा थाना के अंदर 392/22, ये तीनों चारों जो है मोना सिंह के खिलाफ दर्ज है आपराधिक इतिहास इनका है रूप से। और दो जो है वो कहाँ के? ये भी जानीपुर के ही है ये, और ये उन सभी एक साथी हैं इनके अजात शत्रु के, इनके पास से भी एक चोरी के मोटरसाइकिल मिला है, एक देसी कट्टा जो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और एक जिंदा कारतूस है, और 3 मोबाइल तीनों के पास है बरामदगी की गई है। मोटरसाइकिल के अंदर से ये 150 ग्राम गांजा का भी सीज किया गया है, जब्त किया गया है, जो चोरी की मोटरसाइकिल के अंदर। ग्राहक मित्रों, अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए होंडा के अपने शोरूम सोनार होंडा में, और ले जाइए अपने घर होंडा के कोई भी मनपसंद बाइक और स्कूटर आसान फाइनेंस सुविधा के साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पर। जी हाँ, सोनार होंडा अपने क्षेत्र पुपरी का पुराना बाइक शोरूम, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। ग्राहक मित्रों, आप हमारा पता नोट करें, सोनार होंडा अथोराइज डीलर नियर अलाहाबाद बैंक पुपड़ी। इतिहास में अब है किसान,